हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है कांस्टेंट मैस गियरबॉक्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप कांस्टेंट मैस गियरबॉक्स को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सबसे पहले जो टॉपिक लिखा है कांस्टेंट मैस गियरबॉक्स, इसको मैं समझाने वाला हूँ। इसके बाद इसकी डेफिनेशन को समझाऊंगा। उसके बाद ये जो वर्किंग डायग्राम बना हुआ फ्रेंड्स, इसके हर एक पार्ट्स को और इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो से जुड़े रहे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले समझाना जो कांस्टेंट मैस गियरबॉक्स लिखा है उसको। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक लिखा है कांस्टेंट मैस गियरबॉक्स, यह तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, थ्री वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला कांस्टेंट, दूसरा मैस और तीसरा है गियरबॉक्स। पहले वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। पहला वर्ड लिखा फ्रेंड्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस होता फ्रेंड्स स्थिर। स्थिर होता क्या है फ्रेंड्स इस गियर बॉक्स के अंदर, वह मैं बता देता हूं। यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, जो ले शाफ्ट है उसके ऊपर कुछ गियर लगे रहते हैं। क्या लगे? कुछ गियर लगे रहते हैं। इस तरह जो मेन शाफ्ट है उसके ऊपर भी कुछ गियर लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर क्या होता है, जो मेन शाफ्ट के गियर है और ले शाफ्ट के गियर है, एक दूसरे में पहले से ही फिक्स रहते हैं। क्या होते हैं? पहले से ही मैश रहते हैं। फिक्स मतलब होता है, एक गियर दिख रहा है ऊपर का जो ब्लू ब्लू कलर में और नीचे रेड कलर में, एक दूसरे में क्या है, पहले से ही फिक्स है, कांस्टेंट है। इस तरह ए ऊपर का गियर, ए नीचे का गियर एक दूसरे में फिक्स है। यहाँ पर एक गियर भी फिक्स है और ए गियर भी एक दूसरे में फिक्स है, मतलब पहले से ही गियर एक दूसरे में फिक्स है और फिक्स रहते हैं। इसके साथ क्या होता है, जो हमारी क्लच शाफ्ट मूव होती है फ्रेंड्स, उसके साथ ये हमारी पूरी ले शाफ्ट बोलते हैं या इसको काउंटर शाफ्ट भी बोलते हैं, इसके गियर सारे मूव होते हैं। उसके साथ ये जो ऊपर के गियर भी मूव होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये मेन शाफ्ट मूव नहीं होती। ये ऊपर वाले गियर मेन शाफ्ट के ऊपर फ्रीली मूव होते हैं, मतलब फ्री मूव होते हैं, ये मेन शाफ्ट मूव नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ कांस्टेंट वर्ड का मतलब सिर्फ ये है कि जो ऊपर वाले गियर हैं, जो मेन शाफ्ट के ऊपर, जो नीचे वाले ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट के ऊपर गियर है, एक दूसरे में पहले से ही मैश रहते हैं, मतलब कांस्टेंट रहते हैं इसी तरह। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स बोलते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स पहला वर्ड। इसमें क्या होती है, जो गियर रहते हैं पहले से ही एक दूसरे में फिक्स रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मैस गियरबॉक्स। मैस का मतलब आप जानते हैं फ्रेंड्स, जो इसमें गियर टीथ कटे रहते हैं, उन दो टीथों के बीच में क्या रहता है, जो गैप रहता है, उस गैप में एक दूसरे गियर का टीथ क्या होता है, फिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैस होना बोलते हैं। गियरबॉक्स आप जानते हैं फ्रेंड, जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है सभी प्रकार की शाफ्ट का और जो गियर का, उसके थ्रू फ्रेंड्स, इस कॉम्बिनेशन के थ्रू जो भी हमारी गाड़ी चलती है, जो भी हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, कंट्रोल किया जा सकता है किसी भी टाइम फ्रेंड्स। यहाँ पर कि अगर न्यूट्रल गियर है तो हमारी क्लच एंगेज रहती है, इसके बाद भी हमारी गाड़ी मूव नहीं करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम इस गाड़ी को रिवर्स, मतलब उसको पीछे भी कर सकते हैं, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब किसके थ्रू होता है, पूरा गियर बॉक्स के थ्रू। ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स। यह क्या होता है, गियर बॉक्स का एक टाइप्स होता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन को फ्रेंड्स इस डायग्राम को देखते हुए मैं समझाऊंगा, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सके। जैसे कि यहाँ पर पहला वर्ड लिखा हुआ फ्रेंड्स कि ले शाफ्ट, मेन शाफ्ट और क्लच शाफ्ट क्या रहते हैं, इसके जो गियर रहते हैं एक दूसरे में निरंतर मैश रहते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट तरीके से मैश रहते हैं। इसका मतलब होता है, जो हमारी क्लच शाफ्ट है, जो हमारी ले शाफ्ट है, काउंटर शाफ्ट है, जो हमारी मेन शाफ्ट है, इन सब पे लगे गियर एक दूसरे पे क्या रहती है, मैश रहती है, जैसे कि एक दूसरे में फिट है। ये फिट को क्या बोलते हैं, मैश है। तो ये एक दूसरे में पहले से ही मैश रहते हैं। अब फ्रेंड्स बात होती है कि इस जो मेन शाफ्ट है ये मूव कैसे होती है, क्योंकि ये इसके साथ ये जो ऊपर गियर लगे हुए हैं मेन शाफ्ट, ये तो फ्री मूव हो रहे हैं, इसको जो पावर मिलती है, जो मेन शाफ्ट है वह जो मूव होगी तभी हमारी गाड़ी चलेगी। तो मेन शाफ्ट के ऊपर फ्रेंड्स कुछ डॉग क्लच लगे जाते हैं। क्या बोलते हैं, जो D1 दिख रहा है फ्रेंड्स, ये D1 और D2, इसे बोलते हैं डॉग क्लच। क्या बोलते हैं, डॉग क्लच। इसमें फ्रेंड्स इस डॉग क्लच के अंदर क्या होते हैं, स्प्लाइंस बने रहते हैं, और जो हमारी मेन शाफ्ट है इस पे भी स्प्लाइंस बने हुए, लाइन टाइप की दिख रही हूँ ये आपको, ऐसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह के ग्रुप्स कटे रहते हैं, उसे स्प्लाइंस बोलते हैं। सेम टाइप के ये डॉग के अंदर भी कटे रहते हैं। ये इसलिए कटे रहते हैं, इससे ये क्या होता है, दाएं और बाएं या लेफ्ट और राइट क्या, उसे मूव स्लाइड कर सके, जो डॉग क्लच क्या कर सके, स्लाइड कर सके, इसलिए हमारे स्प्लाइंस बने रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होते हैं, जो हमारे डॉग हैं, डॉग क्लच बोलते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, जो ग्रुप्स टाइप के बने, ये दिख रहा है ये वाले जो बने हुए हैं ग्रुप्स, इसी तरह के हमारे जो हमारे ऊपर जो हमारी मेन शाफ्ट है उस पर जो गियर बने, उस तरह के वहां पर भी बने रहते हैं।
इन दो के बीच में क्या होता है, जो गैप रहता है उसका एक डॉग क्रच का एक ग्रुप्स इन दोनों के बीच में फिट होता है। कब फिट होता है, जब लीवर से हम डॉग हमारा क्लच है उसको दाएं बाएं क्या करते हैं, स्लाइड कराते हैं। इसी तरह हम इसको जब दाएं बाएं स्लाइड करेंगे तो इसका ग्रुप ए वाला इन दोनों के ग्रुप्स के बीच में फंस जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रीली मूव होते हैं, तो ये जब मूव होते हैं तो ये जैसे ही फंसता है तो इसी डॉग क्लच भी इसके साथ मूव होने लगता है। तो डॉग क्लच किस पे फंसा हुआ है फ्रेंड्स, ये मेनशाफ्ट, तो उसके साथ हमारी मेनशाफ्ट मूव होने लगती है और इसको हमारे इंजन को जो भी हमारे रनिंग पोजिशन में आ जाता है, जो हमारी गाड़ी दौड़ने लगती है, कंट्रोल होती है, तो वह हमारी पोजिशन बनने लगती है हमारे इंजन की स्पीड की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, मेन क्या है, क्लच डॉग, क्या है, क्लच डॉग। ठीक है, क्लच डॉग लगे रहते हैं, उसकी सहायता से हमारी गाड़ियां चलती हैं, जो कि हमारे इस पे जो फ्री मूव हो रहा है मेन साफ पर गियर में फिक्स होते हैं एक ग्रुप्स की सहायता से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मैंने समझाने की कोशिश की। अब फ्रेंड्स सीधा मैं इसका जो वर्किंग डायग्राम है इसको समझाऊंगा, क्योंकि इस डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना है। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम बनाया है, उम्मीद करता हूँ सामने आपको सारा समझ में आ रहा होगा, जो भी लिखा है वो भी पढ़ने में आ रहा होगा, जिससे आप इसको अच्छे से बना सके। अब हम हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करना है, उसको आपको ध्यान से सुनना है। पहला यहाँ लिखा है क्लच शाफ्ट, जो कि इंजन जैसे हमारा स्टार्ट होता है इंजन उसी तरह हमारा ये शाफ्ट भी क्या होता है उसके साथ मूव होना स्टार्ट होता है। क्लच का फंक्शन होता है इंगेज और डिसइंगेज करना। इंगेज और डिसइंगेज क्या होता है फ्रेंड्स, जब ये क्लच को दबाते हैं तो ये डिसइंगेज की पोजिशन में आता है। ठीक है, और जब क्लच को छोड़ते हैं तो इंगेज पोजिशन में आने लगता है, उसके साथ हमारी जो काउंटर शाफ्ट है वह भी मूव होने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसको ध्यान से देखें। क्लच शाफ्ट के साथ फ्रेंड्स ऊपर जो क्या लगा हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला एक क्लच गियर लगा हुआ, क्या है, क्लच गियर। क्लच गियर फ्रेंड्स जो हमारी क्लच शाफ्ट होती है उसके साथ ही मूव करता है। ठीक है, क्लच शाफ्ट के साथ क्या है, क्लच गियर भी मूव करता है। यह मैच रहता है किसके ऊपर फ्रेंड्स, जो ले शाफ्ट देख रहे हैं ये काउंटर शाफ्ट भी बोलते हैं, जिसका काम है ये मतलब जो मेन शाफ्ट है उसको स्पीड को ट्रांसफर करना है गियर्स के थ्रू। तो काउंटर शाफ्ट पे गियर लगे हुए फ्रेंड्स, वह ये जो इसका गियर जो काउंटर शाफ्ट है या ले शाफ्ट, इसका एक गियर जो क्लच शाफ्ट के गियर के साथ मैच रहता है। ठीक है, फिट रहता है, तो ये हमारी पूरी रोटेशन मिलती किसको, काउंटर शाफ्ट को, ले शाफ्ट। तो यह रोटेट करती इसके इसके ऊपर लगे सारे गियर भी कैसे होते हैं, रोटेट होते हैं। उसके साथ फ्रेंड्स क्या होते हैं, जो हमारे ऊपर जो मेन शाफ्ट है इसके ऊपर गियर जो लगे हैं वह क्या है, इस जो नीचे वाली काउंटर शाफ्ट है ले शाफ्ट उसके साथ फिट है, तो वह भी फ्रीली मूव होते हैं। मतलब इसके गियर मूव रहा है उसके साथ ए भी गियर क्या होती है, मूव होने लगते हैं। ठीक है, वह मूव होते हैं, लेकिन उसके साथ ही शाफ्ट हमारी जो मेन शाफ्ट है जिसके थ्रू हमारे गाड़ियां चलती हैं ए इसके मूव होने पर, वह मूव नहीं होती है। पहले ए जो मूव होती है इसके साथ सिर्फ ओनली जो गियर है यह भी मूव होते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन मूव होते हैं तभी आगे इसको मूवमेंट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मूव हो रहा है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे में क्या है, मैस है। हम जानते हैं क्या बताया कि ये पहल से ही फिट है फ्रेंड्स, और ये इसके साथ ये ऊपर वाले गियर कॉन्स्टेंट मूव होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें दो स्लाइडिंग लिखा है, स्लाइडिंग डॉग क्लच, ये एक और दो, ये दो जिस तरह के गियर की पोजिशन होती है, जितने नंबर ऑफ गियर यूज करते हैं उन सबके बीच में हम स्लाइडिंग डॉग क्लच को यूज करते हैं। स्लाइडिंग जो हमारे डॉग क्लच है फ्रेंड्स, इनके ऊपर जो ग्रुप्स बने ये दिख रहे हैं इस तरह के ग्रुप्स हमारे क्या किसके ऊपर बने रहते हैं, जो हमारी गियर्स लगे हुए हैं जो हमारी मेन शाफ्ट के ऊपर उसमें भी बने रहते हैं। यहाँ पर दो गियर्स रहते हैं उनके बीच में ये फंसता है ना, फंस जाता है, मैस करना पड़ता है। अब ये जो मेन शाफ्ट इसके ऊपर जो लाइनिंग दिख रही है इसका मतलब बताया फ्रेंड्स यहाँ क्या है, स्प्लाइंस बने, स्प्लाइंस मतलब होता है खांचे कटे हुए पूरे थ्रू आउट। उसमें क्या होता है, इस जो हमारी स्लाइडिंग डॉग क्लच है इसके अंदर भी इस तरह के खांचे कट रहते हैं, जिससे ये दाएं बाएं यहाँ इस शाफ्ट के ऊपर स्लाइड कर सके, मतलब खिसक सके आगे पीछे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो स्लाइडिंग डॉग क्लच है ये हमारे गियर लीवर है उसकी सहायता से ये हमारे दाएं बाएं डायरेक्शन में क्या हो सकते हैं, स्लाइड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्लाइड होते हैं। तो जब हम गियर चेंज करते हैं फ्रेंड्स, या गियर कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कोई भी गियर लगाते हैं, तो इसकी एक खिसकता है। मान लिया यहाँ पर क्या है, सेकंड गियर की पोजीशन दिखाई, यहाँ पर लो गियर दिखाया, यहाँ रिवर्स गियर, लो गियर फ्रेंड्स पहला गियर मान लिया। तो मान लिया हमने ये जैसे लीवर दबाया तो ये क्या होगा, जैसे इस किसकी ओर डायरेक्शन में मूव होगा, इसकी ओर मूव, इसकी ओर स्लाइड हो जाएगा। तो ये ग्रुप्स, इस पे दो ग्रुप्स बने होंगे, इसके बीच में ये वाला ग्रुप्स क्या होगा, फंस जाएगा, ये फंस जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या होगा, इसको रोटेशन मिलेगा किसको, इस गियर को, किसके थ्रू, ये जो गियर लगे हुए हैं जो पहले से मूव हो रहे हैं जो हमारी काउंटर शाफ्ट के साथ, इस गियर के थ्रू हमारे स्लाइडिंग जो डॉग क्लच है उसको रोटेशन मिलेगी।
ये जो मूव होने लगेंगे उसके साथ ये कहां पर जुड़े हुए हैं, मेंस आर्क में। तो ये क्लच डॉग के साथ हमारी मेंस आर्क भी क्या होगी, मूव होगी फ्रेंड्स। वह जब मूव होगी तो हमारी गाड़ी क्या होगी, चलने लगती है या फिर हमारी उसकी गाड़ी की स्पीड में परिवर्तन होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मेन काम क्या कर रहा है, जो हमारे स्लाइडिंग डॉग क्लच है वह मेन काम कर रहा है। इस तरह मान लो मुझे सेकंड गियर लगाना है, तो ये लीवर के थ्रू हमारा ये ऑटोमेटिक तरीके से स्लाइड हो जाएगा, किधर, इधर की ओर स्लाइड हो जाएगा। तो इसके ऊपर दो ग्रुप्स के बीच में ए वाला ग्रुप फंस जाएगा, तो हमारे ए जो ऑलरेडी पहले से मूव हो रहा है, तो इसके रोटेशन किसको ट्रांसफर हो जाएगा, इस स्लाइडिंग डॉग क्लच को रोटेशन ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसी स्पीड से हमारी क्या होता है, जो हमारी शाफ्ट भी मूव होने लगेगी, जो मेन शाफ्ट है, मेन शाफ्ट मूव होती है, जो हमारी डायरेक्ट गाड़ी इससे कनेक्ट रहती है, जो भी मेन हमारे जो हमारे पहिए रहते हैं उनका कनेक्शन रहता है, तो उन पहियों को स्पीड मिलने लगती है। तो फ्रेंड इसी तरह रिवर्स गियर होता है, यहाँ पर एक आइडलर गियर लगा रहता है, क्या होता है, आइडलर गियर लगा रहता है, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला गियर है और नीचे वाले गियर की स्पीड के बीच में दोनों में लगा रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसकी सहायता से क्या होता है, ये रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता है, क्योंकि बीच वाले की डायरेक्शन और नीचे वाले डायरेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है फ्रेंड। इसकी और आइडलर गियर की भी डायरेक्शन अपोजिट रहती है, जबकि ऊपर वाला गियर और नीचे वाले गियर की डायरेक्शन कैसी रहती है, एक दूसरे की डायरेक्शन के सेम रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ अब मैं वर्किंग समझा रहा हूँ, वह भी आपको समझ में आएगी। स्टार्टिंग जैसे ही हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, हमारी क्लच शाफ्ट मूव होने लगती है, जैसे ही हुआ है क्लच शाफ्ट मूव होती है, उसके साथ लगा क्लच गियर भी मूव होता है। क्लच गियर से जुड़ा हुआ फ्रेंड्स काउंटर शाफ्ट का एक गियर वह मूव होता है, उस गियर की सहायता से हमारी पूरी काउंटर शाफ्ट क्लच शाफ्ट मूव होने लगती है। अब क्लच शाफ्ट पे जो भी गियर लगे हुए हैं, जो हमारी मेन शाफ्ट सॉरी जो काउंटर शाफ्ट है और जो हमारी ले शाफ्ट है, उस पर जो गियर लगे हुए हैं, वह भी इस गियर के साथ जैसे ही शाफ्ट मूव होती, तो ये सारे गियर कैसे रहते हैं, रिजिडली फिक्स रहते हैं, तो फिक्स रहते हैं तो ये मूव हो जाते हैं। इसके साथ मेस रहते हैं ऊपर वाले गियर जो कि काउंटर शाफ्ट के ऊपर रहते हैं, वह भी फ्रीली मूव होने लगते हैं। फ्रीली जैसे मूव होने लगते हैं, हमें गियर की जरूरत पड़ती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी, उसके अकॉर्डिंग जैसे हम लीवर से गियर का परिवर्तन करते हैं, हमारे गियर के अकॉर्डिंग सेकेंड लो गियर रिवर्स गियर उसके अकॉर्डिंग जो हमारे डॉग क्लच लगे हैं स्लाइडिंग डॉग क्लच, वह क्या होते हैं, स्लाइड करते हैं किसके ऊपर, जो हमारे स्प्लाइंस कटे हुए शाफ्ट के ऊपर, उसकी सहायता से स्लाइड करते हैं, मतलब खिसकते हैं आगे पीछे। उसी तरह ये क्या होते हैं, इसके ग्रुप्स क्या होते हैं, जो हमारे गियर ऑलरेडी मूव हो रहे हैं मेन शाफ्ट पर लगे, उसके साथ क्या होते हैं, मैस कराते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो हमारी इसके रोटेशन जो हमारे गियर पहले से मूव हो रहा है, उसका रोटेशन किसको मिलता है, स्लाइडिंग डॉग क्लच को मिलता है। तो स्लाइडिंग डॉग क्लच भी मूव होते हैं, उसके साथ लगी शाफ्ट भी मूव होने लगती है। जब शाफ्ट मूव होती है फ्रेंड्स, तो हमारी गियर जो हमारी गाड़ी है उसकी स्पीड में परिवर्तन आता है। स्पीड जैसा अगर मैं हाई टॉप गियर लगा रहा हूँ तो वैसी स्पीड मिलती है, सेकंड गियर लगा रहा हूँ तो उसकी टाइप की स्पीड मिलती है, फर्स्ट गियर में लो स्पीड मिलती है, क्योंकि उसका गियर जो रहता है नीचे वाला एक छोटा गियर रहता है, उसकी तुलना में हमारे जो गियर का रेशो रहता है कैसा रहता है, बहुत कम रहता है एक दूसरे का। इस तरह सेकंड गियर में थोड़ा रेशो बढ़ जाता है और फाइनल गियर में रेशो बराबर हो जाता है, तो अच्छी स्पीड मिलती है। रिवर्स गियर में हमने बताया आइडलर गियर यूज करते हैं फ्रेंड्स, ऊपर की मेन शाफ्ट पे लगे गियर और ले शाफ्ट पे लगे गियर की स्पीड जो हमारी रोटेशन रहता है एक समान रहता है, जबकि जो बीच में गियर लगा इसका अपोजिट रोटेशन रहता है, जिसका आइडलर गियर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कोशिश की मैंने समझाने की इस गियर को कौन सा कॉन्स्टेंट मेस गियर को। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, थैंक यू फ्रेंड्स।